अच्छा अच्छा आपको स्मार्ट बनना है आप आए हो इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी क्लिप्स के चैनल पर सब्सक्राइब हिट दैट लाइक बटन और ये वीडियो को शेयर कीजिए hmm. तो आपने पैरालिसिस का भी सामना किया फेशियल hmm. पैरालिसिस का सामना किया आपने एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी रातें बताई सत्ताईस रात हाँ. आपने बहुत कुछ चीजों का सामना किया पर अगर मैं आपसे ये एक थोड़ा हैवी सवाल होने वाला है आप सोच रहे हैं हैवी मेरे लिए बहुत लाइट होगा आप

डे uh, um, बहुत सारे हैं बट मैं वर्स्ट डेज को स्टेपिंग समझता हूँ मेरे लिए वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना कि आई बिल्ड माई कासल्स बाई द्रो एट मी आई बिल्ड माई कासल्स एंड मेक दम सॉलिड बाई द ट्रेजिडीज आई सेलिब्रेट फेलियर दैट्सूड ऑफ कोर्स कि ऐसा कौन सा जिसको एक गाना है साहिल लुधियानवी का कि जहाँ में ऐसा कौन है जिसको गम मिला नहीं ऐसा कोई नहीं है बट मैं उस पर और उसमें जब मुझे तकलीफ होती है जब डे होता है आई इंडल्ज इन सेल्फ पिटी आई इंडल्ज आई गो इन टू द डेकेशन हाँ हाँ इट्स बेटर द ओनली वे टू कम आउट ऑफ एनी ट्रेजडी इज टू इंडल्ज इन सेल्फ पिटी टू फील बैड अबाउट इट एंड देन कम आउट ऑफ इट आप वो बहादुर बने रहो और कहो कि नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो फेक है Hmm. आपको किसी के खोने का दुख होता है या ज़िंदगी में कुछ नहीं निकलता जो आपको कुछ चाहिए मेरा सैडेस्ट डे था जब मेरे को लगा था कि गांधी फिल्म में मुझे नेहरू का रोल मिलेगा और जब मैं रिचर्ड एटनबरा को मिलने गया और वो रोशन सेठ के हाथ कंधे पर हाथ रख के कह रहे थे आई एम सो हैप्पी दैट आई फाउंड माई नेहरू मुझे बड़ा दुख हुआ था बट hmm. आज द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइफ इज़ कि जो दुख या दो तकलीफें जो फेलियर आपकी ज़िंदगी में होते हैं वो आगे जाकर आपकी कहानियाँ बन जाती हैं Hmm. तो जो भी आपने मेरे बारे में बोला कि मैं रातें पे रहा था मुझे फेशियल हो गया था, आज वो hmm. hmm. so hmm. uh, आपको पहली बार सेना समथिंग टू अनुपम में देखा था जब मैं का था नहीं मेरे फ्रेंड्स आए थे पर मैंने, अच्छा, हाँ. मैंने, मैं, मैं, मैं वो शो बहुत देखता था बहुत बच्चे देखते थे बने भी बहुत देखते थे वो बड़ा पॉपुलर शो था और आई डोंट नो अगर उस शो में या उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू आया था न्यूज में जिसमें आपने एक स्टोरी कही थी कि आप जब फेल हुए थे आपके पिताजी ने आपको आ, सेलेबरेट, हाँ सेलिब्रेट किया था आपके साथ वो फेलियर को और वो मेरे दिमाग में बैठ गया था क्योंकि आई थिंक उस टाइम मैं भी फेल हुआ था या मेरे कम मार्क्स आए थे हाँ. और वो स्टोरी ने मुझे तब होप दिया था किस्ट ए क्लर्क इन डिपार्टमेंट बट हीस्ट्री पर्सन उन्होंने मुझे पहले कह दिया था तो, uh, कि फेलियर इज एन पर्सन इवेंट फेल होता है आदमी फेल नहीं होता इंसान फेल नहीं होता अनलेस ही और शी फेलियर और वो कहानी तो बड़ी मशहूर है कि जो उन्होंने जब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में फ़ेल हो गया था तो मुझे वो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गए और उन्होंने मुझे मटन समोसा पाइन एपल पेस्ट्री <laughs> और एस्प्रेसो कॉफ़ी खिलाई और पिलाई तब तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब वो हो रहा था आपके साथ मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या इनको रिज़ल्ट पता था मुझे पता नहीं था तो मैंने कहा था कि हम तो छः महीने में एक बार उस रेस्टोरेंट में जाते थे अभी दो महीने पहले हम गए थे और चार महीने बाद जाना था तो ये पहले ही लेके आ गए तो जब बिल आया तो उन्होंने पचास पैसे की जगह एक रुपया टिप दिया तो मैंने कहा पिताजी आप ठीक तो हो तबीयत तो ठीक है आपकी लॉटरी लगी है या आप आपका प्रमोशन हुआ है तो उन्होंने कहा नहीं मैंने पता किया तो दसवीं में फेल हो गया तो मैंने कहा फिर ये आप ये मुझे सब चीज़ें क्यों खिला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि आगे जाकर कभी ज़िंदगी में तुझे फेलियर का कर सामना करना पड़े तो सोच लेना मटन समोसा पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी मंगा लेना सो वैन ए सिक्सटी फिफ्टीन सिक्सटी ओल्ड बॉय गेट्स दैट लेसन फ्राम हिस्स फादर तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती है दैट इज द रीजन ऑफ माई ऑप्टिमिज्मेलियर्स एंड ऑल्सो बींगी